ऑल राइट स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, क्लास टेंथ विद एक्सरसाइज 4.1 यूनिट 4. सो यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसे प्रीवियस वीडियो में किया था. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आपके पास. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको इनमें से कुछ सिचुएशंस दी हुई है, इन्हें रिप्रेजेंट करना है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपके पास कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर उसका एरिया दिया हुआ है. इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हैं 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, और जो प्लॉट की लेंथ है वो मीटर के अंदर मेज़र की गई है. वन यहाँ पे आगे राइट किया हुआ है, वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ. आगे स्टेटमेंट दी हुई है इसकी कि वन जो है ना लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ वन मोर, एक ज़्यादा है वो, ठीक है, वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें इस प्लॉट की क्या फाइंड करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही फाइंड करनी है. तो किस टाइप से फाइंड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिबल होगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट विल बी एक्स. हमने क्या किया, प्लॉट की जो ब्रेथ है वो हमने लेट कर ली. कितनी लेट ब्रेथ हमने लेट किया प्लॉट की, दैट इज एक्स, ठीक है. उसके बाद हमें क्या करना है, हैंस द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 2x+1. तो देखिए लेंथ कैसी हो जाएगी 2x+1, अगर आपने ब्रेथ एक्स लेट की है. तो लेंथ के बारे में बोला जा रहा था स्टेटमेंट के अंदर कि जो लेंथ है ना प्लॉट की वो वन मोर है, किससे, ब्रेथ की ट्वाइस से. तो ब्रेथ अगर एक्स है तो ब्रेथ की ट्वाइस कितनी हो गई, 2x हो गई. 2x से वन मोर कितना हो जाएगा, 2x+1 हो जाएगा, ठीक है. अभी नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ है आपके पास एक्स, सॉरी ब्रेथ है आपके पास एक्स और लेंथ है आपके पास 2x+1, और टोटल जो एरिया रेक्टेंगल का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528. अभी आपको इसे सॉल्व करना है. तो जैसे x को 2x से करेंगे तो 2x की क्या हो जाएगा, स्क्वायर. फिर x को जब हम 1 से करेंगे, 1x जा कितना हो जाएगा, 1x. और ये प्लस का 528 इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा. इक्वल्स टू में क्या है आपके पास, 0 है, ओके. सो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई, 2x² + x - 528 = 0. अभी आपको आगे क्या करना है, इसकी इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन तक ही सॉल्व करना है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, ओके. सो इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे. पहले हम सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. तो बच्चे सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो आपके पास दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. आपने टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है. वी नो वेरी वेल वट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव दैट मीन्स जैसे सिक्वेंस में होना कोई चीज़, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या फिर हम बात करें 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15. तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ये सिक्वेंस में है. तो इसमें क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. आपको टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी. उसके बाद क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें इंटीजर्स फाइंड करने कि वो दोनों इंटीजर्स क्या हो सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 306 आ जाए. तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उसको लेट करना पड़ेगा. लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन. आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है वो जस्ट वन ग्रेटर होता है. जैसे कि अगर हम बात करें 2 के नेक्स्ट वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 3. तो 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा ना. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आप लेट करेंगे तो वो आपको इस टाइप से लेट करने पड़ेंगे, जैसे कि एक्स, फिर उसके बाद एक्स प्लस वन, क्लियर. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 306. ये हमें गिवन है कि आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है. तो आपने दोनों ही नंबर्स का कर दिया मल्टीप्लीकेशन, एक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x, 306, सॉरी. अभी हम क्या करेंगे, इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x को 1 से किया तो आ गया x. ये प्लस का 306 इधर आके हो गया, माइनस का 306 इज इक्वल टू में क्या आपके पास, 0 है.
सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारा इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है। ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड पार्ट दैट इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर हैं वो 26 ईयर ओल्डर हैं उससे। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का अगर हम प्रोडक्ट कर दें इन ईयर्स, ईयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 ईयर्स, सो अभी से 3 ईयर्स बाद में, दैट मीन्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से हमें 3 ईयर्स बाद में देखना है उनकी एजेस के बारे में। सो देखिए, एजेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, एजेस को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दें, देन वी शुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको एज लेट करनी पड़ेगी, हमने यहाँ पे एज लेट की है। लेट द रोहन एज बी एक्स, रोहन की एज हमने क्या लेट कर ली, एक्स लेट कर ली। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंस हिज मदर्स एज, उसकी मम्मा की, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी। देखिए उसमें बोला हुआ है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कि रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर है, डैट मीन्स 26 ईयर वो उनसे बड़े हैं। तो आपके मोहन के जो मदर हैं वो हो जाएंगे कितने, आपके मोहन की एज है एक्स, एक्स में 26 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगी मोहन की मदर की एज। अब हमें क्या देखना है, 3 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स का और मदर हो जाएंगे x प्लस 26 प्लस 3, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी रोहन अगर 10 ईयर का है तो 3 साल बाद 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितने ईयर्स का हो जाएगा, 13 ईयर्स, दैट मीन्स प्लस किया हमने, सो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो x प्लस 3 आ गया और इधर आ गया आपका x प्लस 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 होता है 29, तो x प्लस क्या आ जाएगा, 29। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख सकते हो, सॉरी आंसर देख सकते हो, रोहन की एज x प्लस 3, मदर की एज है x प्लस 29। अभी हमें आगे क्या करना है, इट इज़ गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स, ये दिया हुआ है कि अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है ना वो 360 ईयर्स हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, दोनों ही ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। तो आपको 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना अच्छे से आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए बच्चे, आपको पहले इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस एक्स को इस 29 से करना है, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस 29x आ गया। अभी आपको इस 3 को पहले x से करना है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x, फिर प्लस 29 को क्या करेंगे, 3 से, तो 9 3 ज़ा 27, 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 87 आ गया। इक्वल्स टू में 360 पड़ा आपका पॉजिटिव, इधर उठा के ले आए इसे भी हम, तो ये नेगेटिव में 360 हो गया, इधर रह गया 0। तो अभी आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 29 और 3 तो हो जाएगा आपके पास 32x, और प्लस का 87 और माइनस का 360, प्लस माइनस माइनस, 360 में से 87 माइनस किए, 10 में से 7 गए 3, इधर रह गया आपके पास 5, 5 में से 8 नहीं जाता, कैरी ले ली, 15 में से 8 आपने कट किए तो रह गए 6 और 7, तो आपने 7 लिखा यहाँ पे और इधर रह गया लास्ट में 273। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका इसका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो लास्ट, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसके स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आर लेस हो जाती है, दैट मीन्स हर किलोमीटर पे 8 किलोमीटर पर आर, हर किलोमीटर पे 8, सॉरी स्टूडेंट्स, दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं हर आर पे, हर घंटे बाद,
वो 8 किलोमीटर लेस स्पीड हो रही है उसकी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसे 3 आवर ज़्यादा लगे कवर करने में, वो पाथ जो है, वो डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में 3 घंटे उसे 3 आवर ज़्यादा लगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड करने की ज़रूरत है। सो ट्रेन की स्पीड किस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर सबसे पहले हमें स्पीड मेजर करनी पड़ेगी। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन ऑफ ट्रैवल 480 किलोमीटर, तो देखिए 480 किलोमीटर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो कितना टाइम टेकन लगेगा। देखिए टोटल आपने यहाँ पे स्पीड x किलोमीटर पर आर ली है और टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, इतने किलोमीटर को कितना टाइम लगेगा, तो जितनी स्पीड है उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो 480 डिवाइडेड बाई एक्स आ गया आपके पास। द सेकेंड कंडीशन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि हम ट्रेन की जो स्पीड है वो इस टाइप से मेज़र कर सकते हैं कि आपको हर किलोमीटर, ये तो स्पीड है ट्रेन की एक्स किलोमीटर, आपको क्या करना है, एक्स में से 8 किलोमीटर पर आवर को माइनस करना है, क्योंकि हर घंटे में जो 8 किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द ट्रेन विल बी 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे डिस्टेंस कवर करने में, या आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। देयर फॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर को कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, तो देखिए नॉर्मल तो 480 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स लग रहा था, अभी 480 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 आवर्स लगेंगे, तो अभी आप इसका एलसीएम लेंगे और इसको क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास स्पीड क्या होती है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम देख सकते हैं स्पीड है आपके पास, स्पीड है एक्स माइनस 8 जो अभी आप यहाँ पे लिख चुके हैं, द सेकेंड कंडीशन स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज एक्स माइनस 8। उसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम है हमारे पास 480 अपॉन एक्स प्लस 3 आवर, 3 आवर उससे ज़्यादा लग रहे थे और इतना टाइम पहले लग रहा था। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, 480। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए जब हम इस एक्स को, फर्स्ट वैल्यू को, एक मिनट पेंसिल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको ये चीज़। सो देखिए जब हम इस फर्स्ट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स से एक्स कट हो जाएगा, रह जाएगा 480, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हम इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 3x, फिर माइनस के 8 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 हो गया आपके पास 38, तो आपने वो यहाँ पे राइट किया। अपॉन में आपके पास x है यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने x को, सॉरी 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3840 आ गया। अपॉन में आपके पास x है तो आपने इसके अपॉन में x लिखा। सो यहाँ पे अपॉन में आप x लिखेंगे, यहाँ पे राइट नहीं किया था बच्चे, आप कैलकुलेशन अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस 8 को 3 से किया, 8 3 ज़ा 24, माइनस का 24 लिखा, इज इक्वल टू 480 आपने राइट कर दिया, ठीक है। अभी आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमने 480 राइट किया, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूरी इक्वेशन के अपॉन, इसमें एक्स है अपॉन में, तो सभी के अपॉन में 1 लगा के हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सभी के अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लिया एक्स, तो यहाँ पे हो गया 480x, यहाँ पे हो गया 3x2, इसमें x हमारे पास था नहीं अपॉन में था, तो यहाँ पे 3840 के साथ x माइनस 24 के साथ भी x इज इक्वल टू 480। अभी अपॉन का x दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला गया तो आ गया 480 के साथ आपके पास x, यहाँ पे भी आपके पास 480 के साथ x पड़ा है, प्लस का 3x2 है, और ये आपका x, x वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो आ गया आपके पास 4 4 2 6 8 3 x, तो x आ गया। अभी देखिए ये और ये आपका कट हो गया, सेम डिजिट है ना, इक्वल टू में एक जैसी होती है तो वो कट हो जाती है, तो 3x2 माइनस 3864 x आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है।
आप इसे सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। यहाँ पे आपकी यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे।